हाँ जी, आप लोग सारे कैसे हैं? मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत मज़े से क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, खासकर स्पिनर्स के लिए। लेग स्पिनर में सबसे बड़ी चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे हैं कि सर हम ड्रिल में तो अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, खड़े खड़े अच्छा कर रहे हैं, बट रनअप में वो चीज़ नहीं आ पा रही है। तो यार, इसके लिए अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका पूरा डिटेल में पूरी बारीकी से नॉलेज का पता लगेगा कि एरर्स रहते हैं जिसकी वजह से आप वो चीज़ को जो ड्रिल्स में करते हैं, जो प्रैक्टिस में करते हैं, और उनको प्रॉपर नेट्स और मैच में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो बहुत शानदार, बहुत कमाल की होने वाली है। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम यूसुफ मंसूरी, मैं क्रिकेट कोच, आपका कोच, और चैनल पे जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने भी क्रिकेटर जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करना रहेगा कि मैं जल्दी से इस वीडियो को ना कंप्लीट शॉर्ट में आपको अच्छा से अच्छा चीज़ें समझा दूं। सबसे बड़ी बात है ना, जितने भी लेग स्पिनर जो मतलब अपनी बेसिक्स को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ड्रिल के थ्रू मेहनत कर रहे हैं, डे बाई डे कर रहे हैं, बट उसके साथ वो एक चीज़ नहीं कर रहे, जिसके कारण पता है हो क्या रहा है, चीज़ें मिस हो रही हैं। दैट्स वाई वो मैचअप नहीं कर पा रहे, जो अपनी ड्रिल में वो चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बट वो एकदम से पूरे रनअप से बॉलिंग कर रहे हैं, या फिर वो नेट्स में तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मैच में नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों ही कंडीशन में चीज़ें, एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, वो चीज़ पता है क्या है? तो सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, आप बड़े कंपोज रहें, आप बड़े मतलब कॉन्सेंट्रेट रखें अपनी चीज़ों पर, अपने रिदम पर। आपको अपने रिदम के बारे में पता होना चाहिए कि आप कितना ज़ोर लगाते हैं तो बॉल कितना आगे डिलीवर कर रहा है, आप कितना जल्दी छोड़ रहे थे बॉल कितना ज़्यादा दूर गिर रहा है, और आप कितनी तेज़ फिनिश कर रहे हैं तो बॉल में उस तरह का पेस आ रहा है। ये चीज़ जब भी आपकी आएगी, जब आप बड़ा ध्यान से बॉलिंग करेंगे, आपको अपने रिदम के बारे में पता होगा, समटाइम क्या हो रहा है, चीज़ें आपके अलाइनमेंट पे भी अच्छा वर्क हुआ है, आपने रनअप पे भी अच्छा वर्क कर लिया, आपने फिनिशिंग पे भी अच्छा वर्क कर लिया, आपकी आर्म फिनिश भी अच्छी आ रही है, बट क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत हल्की हल्की टाइमिंग में मिसिंग हो रहा है कि कभी पैर डलते ही आर्म चल रहा है, पैर पे होल्ड नहीं हो पा रहा है, तो बॉल फ्लैट जा रहा है, फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ जा रहा है, और शॉर्ट जा रहा है, डाउन द लेग जा रहा है, कभी कभी नॉन बॉलिंग आर्म हल्का सा जल्दी गिर रहा है। तो इन चीज़ों पे आपने समझना है कि आपकी टाइमिंग क्या है। अगर आप अपनी टाइमिंग को मैचअप करा गए अपने रिदम के साथ, तो आप एक अच्छे रिदम को डेवलप कर पाएंगे। तो उसके लिए एक ही मूल मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, वो कर लिया तो इस वीडियो का जो भी मेरा उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा, और आप जो चाहना चाहते थे वो इस वीडियो के थ्रू आप पा लेंगे। बात उन बच्चों की कर लेते हैं जो मतलब खड़े खड़े बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि सर हम पूरे रनअप से बॉलिंग कर रहे हैं, बट बॉल उतनी अच्छी नहीं डल रही, उतनी अच्छी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, जिन चीज़ों को हमने खड़े खड़े इम्प्रूव किया। तो उसके लिए आपने एक चीज़ करनी है, जब भी आप खड़े खड़े ड्रिल कर रहे हैं ना, तो बड़ी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, तो बीच में आप जैसे 15 से 20 बॉल, 30 बॉल खड़े खड़े डाल रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा 2 कदम के रनअप से बॉलिंग कर सकते हैं, 4 कदम के रनअप से कर सकते हैं, आपका 5 या 7 का फिर उससे कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आप जब इस वेरिएशन को आप फॉलो करेंगे ना, तो वो चीज़ आपकी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैचअप होने लगेगी। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है और आप कहीं ना चीज़ों को कंबाइन कर पा रहे हैं माइंड के थ्रू, माइंड के लेवल पे, तो ये चीज़ आपको बड़ा बेनिफिट देगी और आप एक्चुअल में इम्प्रूव कर पाओगे, जो कि आप चाहते हो कि आप मतलब एट विल जगह पे बॉल डाल पाओ, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो मैच हो, चाहे कुछ भी हो, आपके आपकी बॉलिंग के अंदर वो कंट्रोल, वो कमांड नेचुरली दिखेगा। यार, तुम ड्रिल्स करते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट एक लास्ट में एक पॉइंट बोलूँगा कि आपको थोड़ा खाली टाइम अपना देना है। आप अकेले कमरे में रहें, अकेले रहें, अपने आप से बात करें, अपने रिदम के बारे में डिस्कस करें, अपने आप से डिस्कस करें कि यार मैं ये चीज़ करता हूँ, जब मेरी बॉल अच्छी डल रही है तो ये चीज़ अच्छी हो रही है, तो मुझे ये चीज़ को रिपीट करना है, ये चीज़ जब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो मेरी ये चीज़ गलत हो रही है, मेरी बॉल ख़राब हो रही है। मतलब आपको कहीं ना रिलेट करना पड़ेगा, और अगर विजुलाइजेशन जितना अच्छा करेंगे, उतना आप अपने आप को ना मतलब कैलकुलेट कर पाएंगे, अपने रिजल्ट्स को निकाल पाएंगे अपनी बॉलिंग के अंदर कि मेरे ये फॉल्ट्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, जब मैं ये ज़्यादा कर रहा हूँ ये अच्छा हो रहा है, जब मैं ये चीज़ ज़्यादा करने जा रहा हूँ तो ये चीज़ गलत हो रही है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट्स को निकालते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और रिज़ल्ट नहीं आ रहे, बट जब ये काम करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो 100% आपके रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, आपके पक्ष में आएंगे, और आप एक अच्छे बॉलर, एक मैच्योर बॉलर बनके उभरेंगे, मेरी गारंटी है, अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ज़रूर रखना है कि वही चीज़ आपको
एक अच्छी दिशा में ले जाएगी, आपको मजबूर करेगी अच्छा करने के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ और काम करते रहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइस।